दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। श्रद्धा मर्डर केस में नए खुलासे ने सबको चौंका दिया। दोस्तों श्रद्धा मर्डर केस के बारे में आप सुन ही रहे होंगे कि किस तरह एक लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसके 35 छोटे छोटे टुकड़े करके उसे मार डाला। लेकिन ये केस जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। इसमें कई सारे ऐसे चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए, और हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका प्यार शब्द से विश्वास ही उठ जाएगा। और ये सब हम क्यों कह रहे हैं, श्रद्धा के मर्डर केस में क्या खुलासे किए गए हैं, आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति सब कुछ आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बैठ जाइए चिपक के। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये है कि श्रद्धा वॉकर और आफताब अमीन पूनावाला ये दोनों ही मुंबई के पालघर एरिया से बिलोंग करते थे, और ये दोनों ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। कॉल सेंटर में काम करने वाले श्रद्धा की दोस्ती 5-स्टार होटल में काम करने वाले आफताब से हुई, और फिर ये दोनों रिलेशनशिप में आए। श्रद्धा के परिवार वालों को उसके और आफताब का रिश्ता अच्छा नहीं लगा, इसलिए श्रद्धा आफताब के साथ रहने के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई। दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे, लेकिन इनके बीच का रिश्ता जमा नहीं और आफताब ने श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। दोस्तों अभी बेसिक स्टोरी तो आपको पता ही है, लेकिन इस स्टोरी में कई सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए, और श्रद्धा व आफताब की कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किस तरह के रिश्ते में रहना सही है, और कौन सा रिश्ता आपको मौत की नींद सुला सकता है। सबसे पहली चीज तो यह है कि इन दोनों की मुलाकात साल 2019 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, यानी इनका रिलेशनशिप ज्यादा पुराना नहीं बल्कि सिर्फ 3 साल पुराना था। और सबसे अहम बात यह कि इन दोनों ने ही अपने रिश्ते की शुरुआत सोशल मीडिया से की, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आफताब श्रद्धा से मिला था, श्रद्धा के मरने के बाद आफताब ने उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दूसरी लड़कियों से भी मिलना शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, जब उसने श्रद्धा के 35 छोटे छोटे टुकड़े किए तो वह हर रोज उन टुकड़ों को फेंकने नहीं जाता था, बल्कि उसने एक बड़ा सा फ्रिज खरीदा था, और उस फ्रिज के अंदर ही उसने श्रद्धा के टुकड़े रखे, जिनमें से एक या दो टुकड़े वो हर तीसरे दिन रात में 2 बजे उठकर 18 अलग अलग जगहों पर फेंकता था। हैरान करने वाली बात यह है कि जब श्रद्धा के टुकड़े आफताब के फ्रिज में थे तब भी वो दूसरी लड़कियों को अपने घर लाता था, और एक लड़की को तो वो खासकर डेट कर रहा था जिसे वो घर लाता था, लेकिन किसी को भी इस बारे में भनक तक नहीं लगी कि उसके फ्रिज में क्या है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आफताब कितना शातिर किस्म का शख्स था। और उसकी शातिरता यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि किसी को शक ना हो इसलिए आफताब ने श्रद्धा के सोशल मीडिया हैंडल को बिल्कुल एक्टिव रखा। उसके दोस्तों से श्रद्धा बनकर मिलता था और लोगों को बताता था कि उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके बीच कभी भी कुछ भी ठीक नहीं था। दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करते थे, दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। उनका रिश्ता पूरी तरह से टॉक्सिक हो गया था, और इसी रिश्ते को ठीक करने के लिए वो उत्तराखंड भी गए ताकि वहां पर कुछ समय के लिए उन लोगों को ब्रेक मिल सके। और फिर उत्तराखंड के बाद उन्होंने दिल्ली के महरौली में फ्लैट ले लिया और वहां रहने लगे। लेकिन एक दिन उनके बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आफताब ने श्रद्धा को जान से मार दिया, और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि आफताब ने मर्डर के महीनों तक इस तरह से रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो काम पर भी जाता था, अपने दोस्तों से बात भी करता था, किसी को भी उसने कानो कान खबर नहीं लगने दी कि इतना बड़ा कांड हो चुका है। जाहिर सी बात है, जो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड के बिल भर रहा हो, उसके इंस्टाग्राम हैंडल को इस्तेमाल करके लोगों से बात कर रहा हो, यहाँ तक कि उसकी डेटिंग ऐप के जरिए दूसरी लड़कियों को अपने घर पे बुला रहा हो, वो किस लेवल का शातिर और तेज दिमाग का रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सारी शातिरता उसके अंदर यूं ही नहीं, बल्कि वो कई सारे क्राइम से जुड़े हुए शो देखता था जिसमें उसको आइडियाज मिलता थे कि कैसे जुर्म छुपाना है, और उसने ठीक वैसा ही किया। आफताब जानता था कि श्रद्धा अपने घर वालों से बात नहीं करती है, इसलिए उनके घर वालों को इसके बारे में पता नहीं चल पाएगा और उसका जुर्म छुप जाएगा। लेकिन जब श्रद्धा के कुछ खास दोस्तों ने उससे फोन पर बात करने की कोशिश की तो ऐसा नहीं हो पा रहा था,
जिसके बाद उसके दोस्तों ने श्रद्धा के पापा को बताया। और जब श्रद्धा के पापा उसके दिल्ली वाले फ्लैट पहुंचे और वहां कोई नहीं था, तब उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। और फिर मर्डर के 5 महीने बाद पता चला कि जिस श्रद्धा को लोग इतने समय से जिंदा समझ रहे थे, वो तो कब का प्यार की सूली चढ़ गई। दोस्तों, अब हम श्रद्धा को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन कई सारी लड़कियों को श्रद्धा बनने से रोक सकते हैं। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, आजकल तो लड़कों के साथ भी बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, और ये सब कुछ सोशल मीडिया से शुरू होता है। इसलिए सबसे पहली सीख तो मेरी यही है कि आपसे कभी भी सोशल मीडिया के जरिए इतने गहरे रिश्ते न बनाएं जब तक आप उस इंसान को पूरी तरह से जांच परख नहीं लेते, तब तक उस पर विश्वास ना करें। और दूसरी सीख ये है कि आप किसी भी तरह के रिश्ते में क्यों ना हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है, जबरदस्ती की लड़ाइयां हो रही है, तो बिना ज्यादा बवाल किए उस रिश्ते से बाहर निकल जाइए। क्योंकि किसी भी तरह का जुर्म करने से बेहतर है कि आप उस रिश्ते को ही छोड़ दें। और तीसरी अहम सीख हमें ये मिलती है कि कभी भी किसी को अपना पासवर्ड वगैरह ना दे, फिर चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो। अगर कोई आपसे कह रहा है कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, मुझे अपना सोशल मीडिया अकाउंट तो दिखाओ, भले ही आप उसे अपने हाथों से दिखा दे, लेकिन कभी किसी के साथ कोई पासवर्ड वगैरह शेयर मत कीजिए। क्योंकि अगर श्रद्धा ऐसा ना करती तो बहुत पहले ही आफ्ताब पकड़ा जा सकता था। और चौथी और अहम सीख कि अपने माता पिता के खिलाफ कभी ना जाइए। एक बार फिर से कहूंगा आपको, अपने माता पिता के खिलाफ कभी मत जाइए, हमेशा उनसे जुड़े रहिए। उनसे बड़ा वेलफिशर दोस्त प्यार करने वाला कोई नहीं है। आपका वीडियो पर क्या ओपिनियन है मुझे पता है, ये वॉइस ओवर मैंने कैसे किया है कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।